हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। और कल की वीडियो में हमने जाना था स्कीनर के प्रयोग एवं सिद्धांत के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत और साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 1896 में और मृत्यु हुई थी 1934 ईस्वी में। लेव वाइगोत्स्की ने सीखने के संदर्भ में अन्य विद्वानों से पृथक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेव वाइगोत्स्की सीखने की व्याख्या विकास के संदर्भ में की है। इन्होंने सीखने की व्याख्या को संस्कृति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है। इन्होंने सीखने की परिभाषा या इन्होंने सीखने को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है जो सांस्कृतिक संगठनों के विकास के प्रयास, विशेषतः मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अतः इसका अर्थ है कि विकास का प्रयास सीखने के प्रयास को पीछे की ओर ले जाने को प्रेरित करता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए कुछ प्रमुख बिंदु दिए हैं। जैसे वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत को समझने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिनमें या जिन पर वाइगोत्स्की ने प्रमुख रूप से बल दिया है। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत को समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु दिए हैं इन्होंने, और वाइगोत्स्की ने इन पर प्रमुख रूप से बल भी दिया है। तो जैसे पहली बिंदु है संज्ञानात्मक विकास, और दूसरी बिंदु है अंतःक्रिया, तीसरी है जेडपीडी की अवधारणा। इसे जेडपीडी का फुल फॉर्म है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चौथा है संस्कृति का अधिगम पक्ष, लर्निंग एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। और पांचवा है अधिगम स्तर में भिन्नता, डिफरेंस इन लर्निंग लेवल। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए पहले बिंदु के बारे में जानते हैं हम, जो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख साधन के रूप में भाषा का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के उपागम के रूप में प्रयुक्त नहीं होती, वरन यह ऐसा उपाय है जो सांस्कृतिक विवरण को आकार प्रदान करता है। जो संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख साधन के रूप में भाषा का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा विकास के उपागम के रूप में प्रयुक्त जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास के उपागम के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जो सांस्कृतिक विवरण को आकार प्रदान करता है, उसे एक शेप देता है, आकार देता है। अगला है दोस्तों अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की अंतःक्रिया को सीखने में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। वाइगोत्स्की अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होती है, स्वयं में ही प्रेरणा उत्पन्न होती है किसी कार्य के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से छात्रों में, जो कि उसको सीखने में सहायता प्रदान करती है। जो प्रेरणा उत्पन्न होती है बालकों में या छात्रों में अंतःक्रिया के माध्यम से, वो उसके सीखने में सहायता प्रदान करती है। आगे लिखा है दोस्तों, अंतःक्रिया इन संबंधों के माध्यम से स्वयं छात्र अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है। यानी कि अंतःक्रिया संबंधों के माध्यम से जो छात्र है वो स्वयं में अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करता है। जब छात्र किसी समस्या पर विचार करता है तो उससे संबंधित कुछ तथ्य उसके संज्ञान में होते हैं, जिससे वो आगे बढ़ने की ओर प्रेरित होता है उसे वो चीज़ें प्रेरित करती हैं। तो जैसे कुछ उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि एक छात्र जब साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को देखता है तो उसकी प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्य जैसे साइकिल पकड़ना, साइकिल का स्वरूप, साइकिल को खड़ा करना या उसके संज्ञान में होता है। मतलब साइकिल को पकड़ना, खड़ा करना, साइकिल व्यक्ति साइकिल को कैसे चला रहा है, ये सब उसके ध्यान में या संज्ञान में होता है, जो उसको साइकिल चलाना सीखने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि ये जो संज्ञान होता है बालक के दिमाग में या जो ध्यान में उसके रहता है, वो उसको साइकिल चलाने सीखने में सहायता प्रदान करता है। अतः इसी प्रकार छात्र अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो इसी प्रकार जो है अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र सीखता है स्वयं करके। उसके बाद दोस्तों ZPD की अवधारणा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत को समझने के लिए ZPD की अवधारणा को समझना आवश्यक है। वाइगोत्स्की ने लिखा है कि वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है और संभावित विकास स्तर जो कि मार्गदर्शन पर आधारित होता है, इनके बीच की दूरी सक्षम समान पदीय मार्गदर्शन पर आधारित होती है। इसका अर्थ है कि ZDB छात्र को कार्य सीखने के प्रति आकर्षित करती है तथा छात्र नवीन तथ्यों को सीखने का प्रयास करता है। अगला है दोस्तों संस्कृति का अधिगम पक्ष। वाइगोत्स्की अधिगम की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की जो है वो अधिगम की प्रक्रिया में अंतःक्रिया के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए वाइगोत्स्की ने लिखा है कि संस्कृति विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन एवं मानसिक कार्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। जो संस्कृति है वो विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन एवं मानसिक कार्य में भी परिवर्तन को प्रदर्शित करती है तथा इसके अतिरिक्त मानव व्यवहार के विकास का नवीन स्थान निर्धारित करती है। इसके अलावा इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति के द्वारा बालक सीखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से सीखने को वाइगोत्स्की अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की भी जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखने को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जैसे कि बालक अपने पिता को ईश्वर का भजन करते हुए देखता है तो स्वयं भी ईश्वर के ध्यान एवं भजन में एकाग्रचित हो जाता है, यानी कि स्वयं भी वही कार्य करने लगता है जो उनके पिता कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अधिगम करता है। बालक अपने माता पिता से सीखता है संस्कृति को। अगला है दोस्तों अधिगम स्तर में भिन्नता। प्रायः छात्रों को समान परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से रखने पर उनमें अधिगम स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जब छात्रों को सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है तो उनके अधिगम स्तर में भिन्नता पाई जाती है। कुछ छात्र सामान्य से अधिक अधिगम करते हैं तथा कोई सामान्य से कम अधिगम करते हैं। यानी कि भिन्नता तो दिखाई देती है, पर किसी बालक में कम दिखाई देती है और किसी में अधिक दिखाई देती है। इनके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें ZPD का प्रमुख स्थान है। जो भिन्नता बालक में पाई जाती है तो कुछ कम सीखते हैं और कुछ ज़्यादा, तो इसके पीछे का जो कारण है वो ZPD होता है, इसका प्रमुख स्थान होता है। तो ZPD के कारण ही छात्रों के अधिगम स्तर में भिन्नता होती है, क्योंकि जो छात्र जानने वाले ज्ञान तथा नहीं जानने वाले ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करते हैं या करने में सक्षम होते हैं उनका अधिगम स्तर सामान्य से कम होता है। यानी कि जो बालक ज्ञान जो जिस बारे में नहीं जानते हैं और जिस बारे में जानते हैं उसके बीच का जो संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं जो बालक, उनका अधिगम स्तर सामान्य से कम होता है। अतः ZPD से संबंधित रिक्त स्थान ही विकास एवं सीखने के मार्ग को प्रशस्त करता है। यह कार्य अंतःक्रिया के माध्यम से ही संपन्न होता है। आगे दोस्तों कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं, मतलब वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिए हैं उसकी विशेषता क्या, उसकी प्रमुखता क्या है और इसका प्रयोग क्या है, तो इस बारे में अब जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि पहली विशेषता क्या है। पहला है सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है। अर्थात यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। यानी कि सीखना जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। दूसरा है सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों सीखने में, बालक के सीखने में या मनुष्य के सीखने में या छात्र के सीखने में जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण योगदान देता है वो सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं या विद्यालय एवं संस्कृति जो माता पिता से मिलती हैं, कल्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला है अंतःक्रिया के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है। अंतःक्रिया के द्वारा जो विद्यालय है वो छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है या निर्देशित स्वरूप देता है बालकों को। चौथा है सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। जब बालक सीखता है तो वो स्वयं से भी सीखता है और किसी का अनुकरण करके भी सीखता है, तो वो जो
सीखना होता है बालक का अनुकरण करके वो प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। जैसे छात्र द्वारा शिक्षक का अनुकरण एवं बालक द्वारा माता पिता का अनुकरण। छात्र शिक्षक का अनुकरण करके कुछ अच्छा सीखता है और घर पे बालक माता पिता का अनुकरण करके सीखता है। पांचवा है अधिगम प्रक्रिया में ZPD का प्रमुख स्थान होता है। अधिगम प्रक्रिया में ZPD का प्रमुख स्थान होता है। छठवा दोस्तों यह सिद्धांत सांस्कृतिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना मानता है। यह जो सिद्धांत है दोस्तों यह सांस्कृतिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना मानता है। तो दोस्तों आज की टॉपिक में हमने जाना वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, इनके सिद्धांत के विशेषताओं के बारे में। दोस्तों अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।